समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे राजस्थान में पश्चिम की ओर सरहद की रखवाली में मुस्तैद जैसलमेर एक तरफ पर्यटन का केंद्र तो दूसरी ओर आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र। एक तरफ देश के शक्ति मार्ग को प्रशस्त करता पोखरण तो दूसरी ओर अनेकानेक शौर्य गाथाओं के क्रम में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रुणीचा धाम रामदेवरा। तो आज हम बात करेंगे इसी धार्मिक स्थल रामदेवरा क्षेत्र की, जहां जागृत चेतना और सकारात्मक ऊर्जा के कारण हजारों श्रद्धालु अपनी मान्यताओं को मांगने और पूर्ण होने पर माथा टेकने आते हैं। बाबा की असीम कृपा से ओतप्रोत ग्राम पंचायत रामदेवरा के सरपंच श्री समंदर सिंह तंवर, जिन्हें मार्च 2020 में रामदेवरा की जनता ने भारी मतों से विजय बनाकर रामदेवरा की विकास गाथा लिखने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में रामदेवरा ग्राम पंचायत का सिरमौर बनाया। सरपंच महोदय ने ग्रामोदय ही लक्ष्य को सार्वजनिक रूप से अपना ध्येय वाक्य बनाकर स्वयं को गांव और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित किया। हमारे केंद्रीय मंत्री की प्रेरणाओं से सरपंच महोदय ने और इच्छा शक्ति के चलते आज रामदेवरा की धरा विकास कार्यों का गुणगान कर रही है। संकल्पों की मीनार के साथ इस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों और यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की असुविधा को देखते हुए सरपंच महोदय ने बाबा की इस नगरी में महत्वपूर्ण सुविधाएं देने का संकल्प लिया। विकास के कार्यों को साकार करने का सिलसिला शुरू हुआ वर्ष 2020 से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हम सब के लाडले सांसद और केंद्रीय मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सहयोग से ग्राम रामदेवरा में 4 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार की योजना नरेगा के तहत विभिन्न स्थानों पर सड़कों का निर्माण करवाया गया। माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री महोदय के पद चिन्हों पर चलते हुए रामदेवरा सरपंच श्री समंदर सिंह तंवर द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यापारिक कार्यों और भक्तों की भावना को जोड़ने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर पहली बार सुविधाजनक डामर सड़कों का निर्माण करवाया गया, जिसमें NH 11 से प्रवेश द्वार और पैनोरमा तक भव्य डामर सड़क और मजबूत डिवाइडर का निर्माण एवं रोड लाइट्स लगाई गई। इसी तरह बरसाती मौसम में परेशानी को देखते हुए सिहड़ा रोड से कल्याण सिंह और खुमान सिंह की ढाणी तक भी भव्य डामर सड़कों का निर्माण करवाया गया। कार्यों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वीरम देवरा रोड से रुणीचा कुआ तक डामर सड़क के निर्माण के साथ साथ विभिन्न वार्डों में लगातार इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण जारी रहा। क्षेत्र के महत्वपूर्ण मार्ग निर्माण की बात करें तो RCP रोड से बिड़ला पेडीवाल HP कॉम्प्लेक्स, सार्वजनिक इंटरलॉकिंग रोड नोखा धर्मशाला, कुष्ठ कॉलोनी से गुजराती धर्मशाला तक तथा पैदल पथ ओसवाल धर्मशाला से नाचना लिंक रोड और वीरम देवरा में वर्षों से लंबित सड़क मार्गों के कार्य प्रमुख है। RCP सड़क तथा वार्ड नंबर 17 और 18 के बीच से रेलवे स्टेशन भीलों का बास परचा बावड़ी और अटल सेवा केंद्र से पोकरण लिंक रोड और खेतपाल थान तक सड़क निर्माण के कार्य किए गए। बाबा रामापीर के इस स्थल पर प्रत्येक मार्ग पर से श्रद्धालु एक ऊर्जा एक प्रकाश को लेकर जाते हैं। उन्हीं प्रकाश को और अधिक नया रूप देने हेतु सड़क निर्माण कार्य यहीं तक नहीं थमा।
वरन कार्यों को निरंतर जारी रखते हुए मार्गों को जोड़ने हेतु नखतबन्ना मंदिर से नाचना रोड, लूणकरण से आंगनवाड़ी और NH 11 तक, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 में सभा भवन तक सड़क निर्माण कार्य, रावतसर तालाब और समाज कल्याण छात्रावास तक सार्वजनिक इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण करवाया गया। इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में वीरम देवरा से बेलदार बस्ती, पोकरण रोड से लिंक रोड, NH 11 को जोड़ने वाले सड़क मार्गों में सगत सिंह की ढाणी, माहेश्वरी लिंक रोड, रेलवे स्टेशन से खेल मैदान, राम सरोवर तालाब तक के कार्य मुख्य भूमिका के रूप में उभर कर आए। निर्वाचन के बाद सरपंच महोदय की पहली मीटिंग में ही हमारे केंद्रीय मंत्री की प्रेरणाओं से सरपंच महोदय ने क्षेत्र के गांव वीरम देवरा के अमर शहीद किशोर सिंह की स्मृति में स्मारक बनाने का निर्णय लेकर सरपंच महोदय ने शहीदों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया। शिक्षा जीवन का आधार है, इस बात के महत्व को समझते हुए सरपंच महोदय ने गांव की विभिन्न स्कूलों में चौक निर्माण, कक्षा कक्ष, खेल मैदान, चार दीवारी सहित मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करवाया गया। स्कूलों की तरह ही राजीव गांधी सेवा केंद्र की चार दीवारी का निर्माण करवाया गया। कहते हैं जब संकल्प शुद्ध रूप से लिया जाता है तो उसके परिणाम भी सफलता के ही आते हैं। सफलता के इन्हीं परिणामों को अंजाम देते हुए बाबा की श्रद्धा को ही शक्ति बनाकर सुदूरवर्ती इलाकों से पैदल आने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु इस धरा पर कुल 5 विशाल पक्के विश्राम स्थल बनवाए, जहां भक्त विश्राम कर सुकून पाते हैं, जिसमें वीरम देवरा रोड, पोकरण रोड एवं बीकानेर बस स्टैंड मुख्य है। भक्तों सहित रामदेवरा में आने वाले व्यापारियों और ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु संपूर्ण परिक्षेत्र में CCTV कैमरे लगवाए गए, जिसकी पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत और पुलिस थाना द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। स्वच्छता ही सेवा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण काल से लेकर वर्तमान तक सरपंच महोदय द्वारा लगातार स्वच्छ रामदेवरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते रामदेवरा ग्राम पंचायत के 20 अस्थाई सफाई कर्मचारी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी स्वच्छता के सपने को साकार करने के लिए स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से 4 कचरा संग्रहण ग्राम पंचायत को मिले, जो रामदेवरा को स्वच्छ रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए। दिलचस्प बात तो ये है कि कोरोना महामारी के दौरान जब पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था, तब सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सरपंच श्री समंदर सिंह, आप दोनों के सामंजस्य से केंद्र की महत्वपूर्ण योजना नरेगा में रामदेवरा के कुल 3,000 श्रमिकों को लगातार रोजगार प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण जिले में सर्वाधिक रोजगार देने वाली ग्राम पंचायत के रूप में रामदेवरा क्षेत्र का नाम अव्वल दर्जे में उदित हुआ। इसी के साथ कोरोना काल में मजदूर वर्ग के घरों तक राशन किट पहुंचाकर सरपंच महोदय द्वारा उन्हें संबल दिया गया। कार्यों के सोपान में आपने लोगों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी संवेदना दर्शाते हुए 2 फॉगिंग मशीन खरीदकर लगातार छिड़काव करवाया। चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल कहां पाते हैं। बात यही नहीं रुकी, प्रत्येक कदम पर एक नए परिणाम के रूप में ग्राम पंचायत रामदेवरा के राजस्व गांव मावा और वीरम देवरा में 400 से अधिक ग्रामीणों को पट्टे जारी कर उनको रिहायशी मकान का स्वामित्व दिया गया। संकल्प जब पूरे होते रहे तो अंधकार और प्रकाश रूपी ऊर्जा की झलक दिखाई दी। कई असुविधाओं को परखते हुए सरपंच महोदय की दृष्टि पड़ी राहगीर की रोशनी पर।
यानी बाबा के भक्तों और ग्रामीणों की राह रोशन हो, इस हेतु आपने विभिन्न स्थानों पर हाई मास्क लाइट्स और गांवों के सभी रास्तों पर रोड लाइट्स लगवाकर कई जगहों को प्रकाशित कर दिया। कहते हैं जब साधक अपनी साधना को पूर्ण करता है तो उसकी पिपाशा और अधिक बढ़ जाती है। उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए सरपंच महोदय द्वारा अपने श्रेष्ठतम प्रयासों से लगातार नवीन कार्य किए गए। आपकी मूलभूत सुविधाओं में विभिन्न भवनों, विद्यालयों, विश्राम स्थलों, स्वास्थ्य केंद्रों, मुख्य सामाजिक, धार्मिक, राजकीय और निजी कार्यालयों में चार दीवारी, सुरक्षा, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जलकूप जैसी सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु बस स्टैंड पर दुकानों का निर्माण तथा युवाओं के दुरुस्त स्वास्थ्य हेतु ओपन व्यायामशाला निर्माण जैसे कार्य उल्लेखनीय है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल 400 से अधिक सार्वजनिक शौचालय एवं टांकों का निर्माण भी आप द्वारा करवाया गया। कार्य और संकल्प की आनंदता तथा मजबूत इच्छा शक्ति से सरपंच महोदय का ध्येय और बढ़ता गया। कार्य कुशलता के साथ साथ हमारे जीवन में स्वास्थ्य अति महत्वपूर्ण होता है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में डाइल्यूट क्लीनर, लाइज LFT एवं RFT किट एवं लिपिड प्रोफाइल एनालाइजर सहित CBC मशीन राजकीय चिकित्सालय को ग्राम पंचायत द्वारा भेंट की गई। हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा धार्मिक स्थल रामदेवरा के राजकीय चिकित्सालय रामदेवरा में अत्याधुनिक सुविधा युक्त भव्य वार्ड का निर्माण करवाया गया। वहीं दूसरी ओर CSR फंड से सोलर रोड लाइट, स्वच्छता हेतु विभिन्न स्थानों पर डस्टबिन आदि कार्यों को और अधिक मजबूती दी गई। विकास और नवनिर्माण के इसी क्रम में माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्नोई समाज के शमशान घाट की चार दीवारी का निर्माण करवाया गया। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अथक प्रयासों से ग्राम रामदेवरा को भारत देश के आइकॉनिक पैलेस में सम्मिलित किया गया, जिसके तहत पूरे रामदेवरा क्षेत्र में सोलर रोड लाइट्स लगाई गई, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होने के बावजूद भी भक्तों की राह रोशन रहे। भविष्य में जनहित की सोच के अनुरूप कई कार्य जैसे फायर ब्रिगेड, बिजली पानी, शिक्षा और चिकित्सा प्रणाली के विस्तार, इस हेतु माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह शेख आज भी संकल्पबद्ध है। नित नई ऊर्जा के साथ आज भी सरपंच महोदय द्वारा आमजन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण हेतु वार्ड सभा का आयोजन लगातार जारी है। आमजन को पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के आदर्शों और माननीय सांसद व केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सानिध्य में पंचायत समिति सांकड़ा के प्रधान श्री भगवत सिंह और रामदेवरा सरपंच श्री समंदर सिंह जनमानस के हृदय में बसे रुणीचा धाम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद और आभार।